खबर हरपन न्यूज, आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। थाना सिटी कोतवाली के हनुमान चौराहे पर 4 जनवरी 2022 को चाबला बूट हाउस पर गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की गई है। इस वारदात का खुलासा मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित शाखवार ने करते हुए बताया कि मुरैना शहर के हनुमान चौराहे पर चाबला बूट हाउस पर 4 जनवरी 2022 को जूता खरीदने के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गणों ने चाबला बूट हाउस पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। बीच शहर में गोलीबारी की घटना से इतनी दहशत फैल गई कि आम लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसको देखते हुए मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित शाखवार ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया। उन टीमों ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की और पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना के मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। आरोपी नूराबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक जिंदा राउंड, एक हॉकी बरामद करने में सफलता अर्जित की है। घटना में शामिल शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एक चावला इसके प्रतिष्ठित व्यापारी है जिनका बूट हाउस है, उनसे इनका विवाद हुआ इनकी शॉप में जाके, और इन्होंने टेरर फैलाने के उद्देश्य से, वातावरण को भयानक बनाने के उद्देश्य से इन्होंने अवैध कट्टे से फायर किया। उसमें तत्काल थाना कोतवाली में 307/147/48 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें इनसे जो कट्टा बरामद हुआ है उसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई का भी इजाफा किया जाएगा और इनके खिलाफ पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। गिरफ्तार हुए हैं जो कि नूराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका मेन उद्देश्य यही था कि आम पब्लिक में एक व्यापारी के यहाँ पर फायर करके दहशतगर्दी फैलाना। इसने इस मैटर को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया। इसमें काफ़ी व्यापारियों में आक्रोश था, लेकिन आज सुबह जब इनको अभिरक्षा में लिया है तो वो काफ़ी खुश हैं और पुलिस का यही काम है कि कैसे शहर की आबो हवा और जो चैन है उसको बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी अभी टीम लगी हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी की।